मेरे YouTube चैनल राखी की दुनिया व्लॉग्स पर। तो आप लोग थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो जो बनाई है मैंने किस पर्पज से बनाई है या किस टॉपिक पे बनाई है। जी हाँ, ये मैंने उसी टॉपिक पे बनाई है जो अभी 2-4 दिन से हमारी प्रॉब्लम चल रही है सब्सक्राइब या अनसब्सक्राइब के चक्कर में। तो मैंने ये छोटी सी कोशिश करी है कि इससे हमें पता चल जाए कि किसने हमें सब्सक्राइब कर रखा है और किसने नहीं कर। मैंने सोचा कि इस इंफॉर्मेशन को आप लोगों के साथ भी शेयर कर लूं जिससे आप लोगों की भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम सोल्व हो जाए। और मैंने ये बनाया है तो आई होप कि इससे हमारी थोड़ी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। तो आइए हम देख लेते हैं इसको हम कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड, मैं अपने लैपटॉप पे आ गई हूँ। आपको ऐसे ही अपने लैपटॉप या अपने कंप्यूटर पर आ जाना है और यहीं से हम ओपन करेंगे गूगल क्रोम और यहाँ से हम यूट्यूब चैनल पर जाएंगे। इसको क्लिक किया हमने और ये खुल गया हमारा यूट्यूब चैनल। तो यहाँ से हम अपना चैनल ओपन करेंगे। तो यहाँ से हम अपनी फ़ोटो पे जाएंगे और फ़ोटो को क्लिक करेंगे। और फ़ोटो को जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा योर चैनल का। तो ये देखिए, योर चैनल को क्लिक करा तो हमारा चैनल ओपन हो गया है। देखिए, आपका भी ऐसे ही चैनल ओपन हो जाएगा। तो यहाँ हमारे चैनल से रिलेटेड सारी जानकारी होती हैं। तो यहीं पे एक ऑप्शन होता है यूट्यूब स्टूडियो, तो उसको पहले हम ऑन कर लेते हैं। और ये खुल गया हमारा YouTube स्टूडियो। तो इसमें यहाँ हमें अपने चैनल से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेंगी, आपकी कौन सी वीडियो ने कितनी रैंकिंग किया है और जिसकी हमें तलाश है वो भी हमें यहाँ मिलेंगे, रिसेंट सब्सक्राइबर। तो यही हमें चाहिए था। तो यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है ऑल सब्सक्राइबर, तो हम उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमें पता चलेगा कि हमने किन को सब्सक्राइब कर रखा है या किन लोगों ने हमें सब्सक्राइब कर रखा है। हमें यहाँ इससे रिलेटेड सारी जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो मेरे कुछ फ्रेंडों को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है कि इस लिस्ट में जिन भी चैनल के सामने अनसब्सक्राइब लिखा हुआ है वो सब्सक्राइब नहीं है। पर ये एक ऑप्शन होता है कि जिसके सामने अनसब्सक्राइब लिखा हुआ है उनको हम यहीं से अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, पर एक्चुअली में वो सब्सक्राइब होते हैं। और ये जैसे यहाँ पे सब्सक्राइब लिखा हुआ है तो इन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब तो किया हुआ है लेकिन इनको मैंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है क्योंकि इनके कभी चैनल बनाए थे इन लोगों ने लेकिन ये अभी से यूज़ नहीं करते, वीडियो नहीं डालते हैं। तो ये इसलिए यहाँ पर अनसब्सक्राइब दिखाई दे रहे हैं, मतलब सब्सक्राइब दिखाई दे रहे हैं आपको, वरना मैं सबको ही सब्सक्राइब कर देती हूँ। तो यहीं पे एक छोटा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है। और इस लिस्ट में जिनके भी सामने अनसब्सक्राइब आ रहा है वो सब मैंने सब्सक्राइब किए हुए हैं, आपके भी लिस्ट में ऐसे ही आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो एक चीज़ ये भी ध्यान देने वाली है कि इस लिस्ट में वही चैनल दिखाई देंगे जिन्होंने अपने चैनल के सब्सक्राइबर शो किए हुए हैं या पब्लिकली दिखाए हुए हैं, वो चैनल इसमें नहीं दिखाई देंगे, इस लिस्ट में आपको नहीं दिखाई देंगे जिन्होंने अपने सब्सक्राइबरों को हाइड किया हुआ है, छुपाया हुआ है। बेशक से उन लोगों ने आपको सब्सक्राइब कर रखा हो पर वो लोग इस लिस्ट में नहीं दिखाई देंगे। जिन दोस्तों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है वो अपने स्मार्टफोन से भी इस लिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो इसको चेक करने का तरीका ये है, हम अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन पर जाएंगे और इस पर भी सेम हम गूगल क्रोम को ओपन करेंगे और यहाँ पर हम सर्च बार में जाएंगे और सर्च बार पर YouTube टाइप करेंगे। और YouTube टाइप करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आएगा YouTube का, तो इसको हम क्लिक कर लेते हैं। और इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हम पहुँच जाएंगे अपने चैनल पर YouTube पर। तो ये देखिए, ये दिखाई दे रहा होगा आपको, तो यहाँ कॉर्नर में आपको 3 डॉट दिखाई दे रही हैं तो उसको हम क्लिक कर लेते हैं। और उसको क्लिक करने के बाद हमें इसमें ऑप्शन दिखाई देंगे बहुत सारे, तो थोड़ा नीचे आते हैं और इसमें दिखाई देगा हमें डेस्कटॉप, तो हम डेस्कटॉप को टैप कर लेते हैं और ये खुल गया हमारा चैनल। ये सेम वही प्रोसेसर है जैसे हमने लैपटॉप में ओपन करा था, तो यहाँ पर भी हमारा ये चैनल ओपन हो गया है। तो हम सेम प्रोसेसर से यहाँ पर अपनी फ़ोटो पर आ गए हैं और ये देखिए मेरा चैनल दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं क्लिक कर लेती हूँ तो यहाँ पर आपको दिखाई देगा योर चैनल, सेम प्रोसेसर से। तो योर चैनल को मैंने खोल लिया है तो हमारा चैनल ओपन हो गया है। सेम इसी तरह से हमने अभी लैपटॉप पे करा था तो ये हम स्मार्टफोन पर कर रहे हैं। तो ये देखिए मेरा चैनल ओपन हो गया है। यहाँ से हम YouTube स्टूडियो पे जाएंगे और उसको क्लिक करेंगे तो हमारा चैनल ऐसे ओपन हो जाएगा। और यहाँ पर सेम तरीके से हमारा जो भी हमने सब्सक्राइब किए हुए हैं या जिन लोगों ने भी हमें सब्सक्राइब किया हुआ है वो पूरी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हम सेम प्रोसीजर से इसको
कर लेते हैं ओपन, और ये हो गया है यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो इनके सामने वही सेम अनसब्सक्राइब आ रहा है, उनको हमने सब्सक्राइब किया हुआ है। ये देखिए जिन भी चैनल के सामने अनसब्सक्राइब आ रहा है तो उनको हमने सब्सक्राइब किया हुआ है। ये बस एक ऑप्शन होता है कि यहाँ से हम उसको अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ऐसे हम अपने सब्सक्राइब और अनसब्सक्राइब को चेक कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको फिर याद दिला रही हूँ, यहाँ पर वही चैनल दिखाई देंगे या वो लोग ही इस लिस्ट में आएंगे जिन्होंने अपना सब्सक्राइबरों को शो किया हुआ है, और जिन्होंने हाइड किया हुआ है या छुपाया हुआ है वो इस लिस्ट में नहीं दिखाई देंगे। तो ऐसे हम जान सकते हैं कि किन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया हुआ है या किन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ आ गया होगा और ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैं भी इससे बहुत परेशान थी तो मैंने सोचा कि ये वीडियो बनाती हूँ, थोड़ी सी हमारी कन्फ्यूजिंग दूर होगी। इस चक्कर में हम उन लोगों को भी अनसब्सक्राइब कर देते हैं जिन लोगों ने हमें सब्सक्राइब किया होता है, हम ये सोच के कि शायद उन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो कुछ यूजफुल लगी होगी, आप लोगों की मदद करेगा ये जानने में कि कौन आपको सब्सक्राइब कर चुका है या किसने आप लोगों को सब्सक्राइब किया हुआ है। पर मैं तो आप लोगों को यही सजेशन दूंगी कि हम उन्हीं लोगों को सब्सक्राइब करें जो अपने सब्सक्राइबरों को शो किए हुए हैं, जिन्होंने हाइड नहीं किया हुआ है, जिन्होंने छुपाए नहीं हुए हैं अपने सब्सक्राइबरों को, और उनको छुपाने का कोई फायदा भी नहीं है। पहले मैंने भी उनको छुपाया हुआ था लेकिन उससे कोई फायदा नहीं है, उनको दिखाने में कोई दिक्कत नहीं है, तो मैंने उनको शो कर दिया है। तो मैं तो यही सजेशन देना चाहती हूँ आप लोगों के को कि हम लोग उन्हीं लोगों को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर उन लोगों ने शो नहीं किए होंगे तो वो हमें दिखाई नहीं देंगे उस लिस्ट में, और हमें यही कंफ्यूजिंग रहेगा कि शायद उन लोगों ने हमें सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और इस चक्कर में जिन्होंने हमें करा हुआ है हम उन लोगों को भी अनसब्सक्राइब कर देते हैं। तो आप आई होप आप लोगों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और कमेंट कर जरूर बताना कि ये वीडियो आपको लिए कितनी हेल्पफुल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।